आज बन रहा है माँ बेटी रसोड़ा में प्रोटीन से भरपूर पालक का सूप। चलिए हमारे साथ किचन में। 250 ग्राम पालक जिसको हमने अच्छे से वॉश करके बारीक काट लिया है, 2 बड़े टमाटर जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। सूप बनाने के लिए गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी पालक, पालक के साथ ही हमारे कटे हुए टमाटर और अदरक भी डाल देंगे। टमाटर पालक अदरक मिक्स करने के बाद हम कर देते हैं हमारी पालक को कवर और इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। पालक को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, हमारी पूरी पालक गली नहीं है, इसको अभी 5 मिनट और कुक करेंगे। 5 मिनट और होने के बाद टोटल 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी पालक पूरी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब हम इसको गैस बंद करके ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम करेंगे इसको ग्राइंड। यहाँ हमने लिया एक मिक्सर जार, उसमें हमने सारी पालक ट्रांसफ़र करके अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हम एक कढ़ाई में छाननी लगा कर इसको छान लेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे। साथ ही में हमें इसमें 3 कप पानी और ऐड करना है, वो भी हम इसमें मिक्स करते हुए इसको पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए, 3 कप पानी के साथ हमने पालक को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। हमारे पालक के बचे कुचे छिलके और टमाटर के छिलके ऊपर रह गए हैं। देखिए, हमने हमारे पालक के सूप को गैस पे रख लिया है। अब हमें इसमें 3 से 4 बॉईल दिलाने हैं ताकि हमारा सूप बिल्कुल क्रीमी बन करके तैयार हो। हमारे सूप में अच्छी तरह के से बॉईल आ चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच साथ ही में रेड चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, उसको भी अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच है। देखिए, हमारे सूप में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम हम कर देते हैं बंद। तैयार है हमारा सूप, अब इसको हम कर लेते हैं सर्व गर्मा गर्म। तैयार है हमारा पालक का सूप अब पीने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी अपने किचन में ज़रूर बनाएंगे। अपने अनुभव माँ बेटी के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।